वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। वहां कितने पुलिस वालों को मार दिया, कितने कश्मीरी पंडितों को मार दिया, मुसलमानों को मार दिया, तो फिर भी कहते हैं वहां अमन है। कौन सा अमन है? अब क्या बोलेंगे उनको जो वहां पे यहां से गए हुए हैं और गांव में पढ़ा रहे हैं? क्या कहेंगे उनको कि क्या वो उनकी हिफाजत है, क्या उनके पास सिक्योरिटी है? कल अगर सियासी आदमियों को मारना शुरू हो जाएगा तो सिक्योरिटी कहाँ है? क्या बोलेंगे उनको? हाथों से कुछ नहीं बनता। इनको कोई ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा जिससे कि ये लोगों के दिल जीत सके और इस मुसीबत से हम निकल सके। दिल से कहता हूं, मैं कश्मीर का हाल देखता हूं, रोज मौतें हो गई, कोई दिन नहीं है तो मौत। इतनी फौज भर दी गई है जितने वहां लोग हैं, अमन लाने के। अमन नहीं आएगा जब तक आप लोगों के दिलों को नहीं जीतेंगे। और दिल को जीतने के लिए फौज की जरूरत नहीं है, मोहब्बत की जरूरत है और उनको समझने की जरूरत है। समझिए, लाइए जितनी फौज आपके पास बम। और दूसरा, मैं आपसे कहूं, इनको बहुत बुरा लगता है जब मैं ये कहता हूं, ये मीडिया भी ऐसे ही लिखता रहता है, जब तक हमारे पड़ोसी के साथ भी बात नहीं होती। जब तक वो भी इस बात पे नहीं आ जाएंगे कि हमने मिलजुल के रहना है, हमने रास्ते निकालने हैं एक दूसरे के साथ बेहतरी के लिए, जंग तबाही का बाइस हो सकती है। देखिए यूक्रेन को देखिए, कैसे वहां के लोग कहां। आज की जंग मामूली जंग नहीं है, आज की जंग रॉकेट्स हैं, अटक बम है, अल्लाह जाने क्या नहीं है। जो हमने 75 साल में बनाया है वो मिनटों में उड़ जाएगा। तो हम बात करते हैं इनको बुरा लगता है, खुद जब बात करते हैं हम कहते क्या है। हम जरूर मुसलमान हैं, मगर हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, हम चीनी अमरीकी और रूसी मुसलमान नहीं हैं। हम पे विश्वास करो, हम पे एतबार करो,